उसी में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत केपीके से जो कौमी असम्बली में आके बैठे हैं और हमारी मिनोरिटीज के ऊपर जो असम्बली में बिल पास होते हैं मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और कुछ ऐसे सवालात हैं जो मेरे पास जो आज की जो पाकिस्तान की कौम जो मसीही कौम है उसमें काफ़ी उभर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो हमारे केपीके से जो सिलेक्ट हो गए हमारे एमएनए कौमी असम्बली में आए हैं जमशेद थॉमस साहब, उनसे हम गुफ्तगू करें और आज के सवालात का आगाज़ करें। जी सलाम जी सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल चाल? मैं ठीक ठाक। सर पार्टी कब ज्वाइन की आपने? मैंने 2009 में। जी तो ये पार्टी की तरफ से बड़ा जल्दी हो गया कि आपको पार्लियामेंट में ले आए जल्दी से? बस ये आपको पता है ये इज्जत जो अल्लाह ताला की तरफ से होती ठीक है तो वो जिसको चाहता है उसको वो देता है। अच्छा मेरे पास एक तो क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में नून लीग के दौर में इतने इश्यूज जो मिनोरिटी की तरफ से आए हैं जिस तरह जबरन मजहब तब्दील और किडनैपिंग, ये इस दौर में 2020 से लेके 21 के दौरान ये काफ़ी वाकयात सामने आए हैं, इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत लैक ऑफ अवेयरनेस है सर। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ बिकॉज हमारे बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो गरीब लोग हैं। ठीक है। तो आपको पता है ये जो जितने भी वाकयात हुए हैं और मैक्सिमम वाकयात जब अदालत में गए तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे आरजू राजा के इसमें आपने देखा उसने कहा मैं अपनी मर्जी से गए, इस तरह के वो बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए। तो मेरा मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी तो है बींग माइनॉरिटी कि हम अपने बच्चों की जो तरबियत है वो ऐसी करें कि वो किसी के झांसे में ना आ सकें। तो फोर्स कन्वर्जन का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपने देखा कि जब ये वाकयात बढ़ने शुरू हुए तो खान साहब ने इसका बकायदा नोटिस लिया, उन्होंने पार्लियामेंटेरियन की फोर्स कन्वर्जन पे एक कमेटी बनाई। ठीक है। और उनको कहा गया कि आप अपनी सिफारशात जो है वो दें हुकूमत को कि कैसे इस फोर्स कन्वर्जन को रोका जा सकता है। फिर फोर्स कन्वर्जन पे एक बिल लाने की भी कोशिश की गई लेकिन उसको अपोज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने, चूँकि उनकी अपनी तालीमात हैं जो कुरान के मुताबिक हैं। हम चाह रहे थे कि हम ऐसा एक कानून बनाएं कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनके उन पर हम पाबंदी लगा सकें कि वो अपना मजहब तब्दील। ये कानून जो है ये सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूवल कराया, अभी तक सूबाई गवर्नमेंट जितनी भी है केपीके पंजाब गवर्नमेंट और बलोचिस्तान इसमें ये अप्रूवल नहीं हो सका, क्या वजह है इसकी? कोई ऐसा तो खास वजह मुझे नहीं लगती, चूँकि जब ये मिनिस्ट्री ने अपोज किया था उन्होंने कहा कि जो इस्लाम है उसमें आप किसी भी उम्र में जो है इस्लाम कबूल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हाँ फोर्स कन्वर्जन जो है वो नहीं होनी चाहिए, अगर अपनी मर्ज़ी से कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसको पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है कि वो अपना मजहब चेंज करे। जो अच्छा जिस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो फोर्स कन्वर्जन का जो सिलसिला का चल रहा है वो हमारी जो गुरबत का सिलसिला जो है माइनॉरिटीज़ में, देखिए गरीब लोग जल्दी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, अगर हमारी कौम में गुरबत ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स कम है हमारे पास, क्योंकि जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें तो जॉब इतनी नहीं मिल सकी, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो आपकी है वो कोई ज़्यादा जॉब लेके आ रही है? सर बहुत ज़्यादा। आप हमारे सैकड़ों बच्चे केपी की मैं मिसाल देता हूँ, आप देखें तो स्पेश मुख्तलिफ ग्रेड्स में उनको जॉब्स मिली हैं, अंडर 5% जो जॉब कोटा है हमारे वहाँ पे बच्चे जज लगे हैं, सेशन जज लगे हैं, मैजिस्ट्रेट लगे हैं। ठीक है। तो ये 5% जॉब कोटे की मुनासबत से जो जॉब्स आ रही हैं, नहीं 5% तो नून लीग में भी था। नहीं तो आप देखें, मैं आपको बताता हूँ हमारे बच्चों को ये आजकल जो जॉब्स मिल रही हैं, पहले तो हमें इन जॉब्स का पता भी नहीं होता था कि हमारा कोई कोटा है कोई, ठीक है, और हमारे बच्चे उसके लिए अप्लाई भी नहीं करते थे, लेकिन शुक्र है कि अब शौर इस लेवल तक आ गए हमारी कौम में हमारे मसीहों में कि वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और जॉब्स के लिए भी वो अप्लाई करते हैं। केपीके की तरफ देखा जाए तो उसकी कारकर्दगी की वजह से, क्योंकि आपकी पिछली जो कारकर्दगी सूबाई गवर्नमेंट की वो बहुत अच्छी गई जिसकी वजह से आप वफाक में भी आ गए, लेकिन हमारी माइनॉरिटीज़ को हकूक क्यों नहीं मिल रहे? किस किस्म के हकूक? ये जॉब्स के हवाले से सर सब मिल रहे हैं, दूसरे सूबाई गवर्नमेंट में नहीं मिल रहे सर? है केपी में 5% जॉब कोटा है, फेडरल में है और उधर भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है 5% जॉब कोटा। नहीं जॉब मिल नहीं रही, मेरा मकसद ये कहने का, कैसे नहीं मिल रही? कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ के लोग जब जाते हैं अपने कागजात लेकर सीवीज लेकर तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है? नहीं सर, आजकल तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, NTS, FTS, ईटा,
ये जो कंपनीज इन्होंने हायर की हुई हैं गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए इनको किया है ताकि ये जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और आप देखें कि ये जितनी चीज़ें हैं ये एकदम पब्लिक हो जाती हैं। आप आज टेस्ट दें, कल आपका रिज़ल्ट पब्लिक हुआ होगा और आपको पता होगा कि मेरा क्या पोजीशन है। आपसे नीचे वाला बंदा कभी भी आपके ऊपर नहीं आ सकता। तो ये मेरा ख्याल एक अच्छा सिस्टम है। अच्छा, सेनेट में जो बिल पिछले दिनों मंजूर हुआ है मुस्तद कर दिया उसे सर। मैं सच्ची बात बताऊँ ना जी, मैं ये मुझे लगता है कोई पुराना बिल है, क्योंकि जब से हम पार्लियामेंट में आए हमारी नज़र से ऐसा कोई बिल जो है ना नहीं गया। मुझे लगता है ये कोई पुरानी लेजिस्लेशन थी जो पेंडिंग थी, तो शायद उसको उन्होंने इसके ऊपर अपोजिशन ने क्यों आवाज़ उठाई। सर मुझे देखें, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा हमें हकूक देता है ना सारे, वो हमारे तहफ़ की भी बात करता है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के बिल की कोई ज़रूरत है कि अकलियतों का तहफ़। अकलियतों का क्या तहफ़ है? आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, बाकायदा आर्टिकल्स हैं जो आपके प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़ जो हु आर लिविंग इन पाकिस्तान उनकी बात करते हैं। तो मेरा ख्याल सबसे बड़ी जो हमारे पास प्रोटेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है। अच्छा, केपीके में पिछले जो मंदिर मिसबाह किया गया, पहले तो मैं उसकी बहुत मजम्मत करता हूँ सर। और ये मैं समझता हूँ कि एक साजिश के तहत हुआ। पाकिस्तान जिसका आजकल जो एक इमेज है वो बेहतर हो रहा है माइनॉरिटीज़ को लेकर, उसको डैमेज करने की कोशिश की गई। और आपने देखा कि बर वक्त और फौरन उस पर कार्रवाई हुई, लोग सारे पकड़े हुए हैं। ठीक है, महमूद खान ने दोबारा फंड्स जारी किए हमारे जो सीएम हैं कि इसको दोबारा अब बनाएं। ठीक है, खान साहब ने उसका नोटिस लिया था। तो मेरा ख्याल है कि वो हुआ तो बुरा ही था, लेकिन जो हमारा जो रिस्पांस रहा उसमें हमारी हुकूमत का, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐलान किया कि इसके बदले आपने चार मंदिर बनाने हैं, उस पर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, कोई फंडिंग जारी हुई है? अच्छा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। मुझे सिर्फ उस फंडिंग का पता, वो लेटर भी मैंने देखा था जो महमूद खान के सीएम सेक्रेटेरिएट से लिखा था। ने एक ऑर्डर जारी किया, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इनको मिसमार करने की कोशिश की। अच्छा, उन ठीक है, पार्टीज को। अच्छा अच्छा, सही है सही। तो इसके बारे में आई एम डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो नेक्स्ट जो सेनेट का इलेक्शन जब आ रहा है तो उस पर आपकी पार्टी की तरफ से कुछ नुमाइंदे ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि नहीं? सर देखें, हम खान साहब का विजन था कि हम सेनेट के इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाएं। ठीक है, ठीक है। और जो बंदर बांट होती है, जो खरीदारी होती है एमएनएस के ज़मीर को जो ख़रीदा जाता है, उसके लिए हमने ये रिसेंटली ये जो जुमेरात को हमारा सेशन ख़त्म हुआ है उसमें हम बिल लाए, लेकिन ओपोजिशन ने उसकी मुखालफत कर दी। हम चाह रहे थे कि शो ऑफ हैंड हो ताकि जो ये ख़रीदारी होती है एमएनएस की वो रुक सके, लेकिन बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि जितनी ओपोजिशन की पार्टीज हैं सब ने उसकी मुखालफ। अपनी गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल न्यूज़ की तरफ से पैगाम देना चाहिए आवाम को। मेरे जो आवाम है, ख़ास तौर पे जो नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान में बसते हैं, मैं आप सबको यही एक वो उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, इस हुकूमत में आपका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो खुदा उनके फजल से बेहतर होगा। आप देखें, आप जब राइट्स की बात करते हैं तो जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है वो भी आप पूरी करें। अगर आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन हासिल करें। ठीक है, और ये नहीं हो सकता कि आप जॉब भी एजुकेशन हासिल ना करें कोई अच्छी जॉब। हमेशा हकूक के साथ जिम्मेदारी आती है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो आपके हकूक का तहफ़ हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने नेशनल न्यूज़ को इतना टाइम दिया जमशेद। माय प्लेजर सर। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो इन्होंने जो वादे किए हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, उम्मीद है कि वो पूरे होंगे।